बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो आपके साथ अमल शेयर करना चाहती हूँ, ये एक ऐसा अमल है जिसके करने से इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द माला माल हो जाएंगे, और ये एक छोटी सी आयत का अमल है जो जल्द अमीर होने के लिए बहुत ही अक्सर मानी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द मालो दौलत और रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा इनायत फरमाएं, तो ये आप ज़रूर आयत पढ़ें। छोटी सी आयत और बेहिसाब मालो दौलत। हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने दुकान में एक आदमी रहता है, किसी गांव का रहने वाला है। यहां सारा दिन फल रेड़ी पर लगाकर बेचता है और रात को इसी दुकान में सो जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि ये सारे बाज़ार से महंगा फल बेचता है, मगर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले फल बेचकर फारिग हो जाता है। एक मरतबा जुमा की नमाज का वक्त था, होटल वगैरह बंद थे, तो इसने सालन लेने के लिए हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं सालन लेकर इसकी दुकान पर गया तो इसने एक कागज़ निकाला, इस पर एक आयत लिखी हुई थी। कहने लगा, मुझे पढ़नी नहीं आ रही, आप पढ़ा दें। मैंने पूछा, आपको ये आयत किसने दी? इसने कहा, मेरी बीवी ने। मैंने कहा, आपकी बीवी को किसने दी? कहने लगा, इसके दादा ने। मैंने कहा, इससे क्या होता है? कहने लगा, मेरी बीवी के दादा को किसी ने दी थी, इनके माली हालात अच्छे ना थे। ये आयत सिर्फ दिन में 100 मरतबा पढ़नी है, अव्वल और आखिर आप 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दिन में कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें, इसका कोई खास वक्त नहीं है। कहने लगा, इसके पढ़ने से अल्लाह ने इनको बहुत माल दिया, बहुत नवाजा, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी खरीद लीं। कहने लगा, दुनिया का कोई मसला हो इसके पढ़ने से हल हो जाता है। वो बार बार ये कह रहा था कि अल्लाह ने इसमें बहुत ताकत रखी है, अगर जल्दी मसाइल का हल चाहते हो तो इसको तहज्जुद के वक्त पढ़ो। मेरी बीवी भी इसे तहज्जुद के वक्त ही पढ़ती है। तब मेरी समझ में बात आई कि इसका माल महंगा होने के बावजूद क्यों सबसे ज़्यादा जल्दी बिक जाता है। वो आयत ये है, अल्लाहु लतीफ़ुम बे इबादिही यरज़ुकु मन यशाउ वहुवल कवीयुल अज़ीज़। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 19 यानी 19 है। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।